मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था लेसन 7 आवर सॉइल, उसको हम आगे पढ़ते हैं। अब तक हमने देखा कि जो सॉइल है वो कैसे बनती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री विद अ बिग लैंड मास। इंडिया जो है एक बहुत बड़ी कंट्री है, उसका लैंड मास जो है वो बहुत बड़ा है। द सॉइल इन इंडिया वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अलग अलग जगह की अलग अलग तरह की मिट्टी होती है इंडिया में, ठीक है। जगह जगह के अकॉर्डिंग, प्लेस टू प्लेस जो है वो चेंज होती रहती है। बेसिकली वी हैव सिक्स टाइप्स ऑफ सॉइल इन आर कंट्री। और हमारे जो कंट्री में जो बेसिकली देखें तो सिर्फ छः टाइप्स की जो है सॉइल मिलती है, सिक्स टाइप्स की सॉइल मिलती है। क्वालिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन द लैंड सरफेस क्लाइमेट एंड रेनफॉल। जो क्वालिटी है उसकी क्या गुणवत्ता है वो उसके ऊपर आधारित है कि वहाँ का लैंड कैसा है, उसका सरफेस कैसा है, जलवायु कैसी है और वहाँ पर बारिश कितनी होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर सुटेबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स। जो अलग अलग तरह की मिट्टी है वो अलग अलग तरह की क्रॉप्स के लिए लाभदायक है, या कह सकते हैं कि सूट करती है, ठीक है। तो अब हम पहली जो है टाइप ऑफ सॉइल पढ़ते हैं, एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन रिवर्स फ्रॉम माउंटेन ब्रिंग सैंड एंड सिल्ट एंड डिपॉजिट देम टू देयर बैंक्स। ये किस तरह से बनती है, जब जो पहाड़ हैं, पहाड़ों पर से जो नदियां आती हैं उनके साथ जब मिट्टी रेत जो है साथ में बहके आती हैं, और वो क्या करती हैं नदियाँ, अपने जो किनारे हैं नदी के उन पर इनको छोड़ देती है नीचे आते ही, ठीक है। जब वो प्लेन पार्ट पे आती है, नीचे आकर वो मिट्टी को जो है साइड्स में बैंक ऑफ रिवर पे जो है साइड में छोड़ती जाती हैं, तो इन इस तरह की मिट्टी का निर्माण होता है। हिमालयन रिवर्स ब्रिंग दीज पार्टिकल्स इन अ लार्ज क्वांटिटी एंड डिपॉजिट देम। जो हिमालय है उनमें जो रिवर आती हैं उनमें से, उसमें बहुत अधिक मात्रा में इस तरह की मिट्टी जो है आती है और वो उसके बैंक्स ऑफ रिवर पे इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन टू द नॉर्दर्न प्लेन्स। और कहाँ पर, नॉर्दर्न प्लेन में, उत्तरी मैदानों में जो है वो इस तरह की मिट्टी हिमालय से आने वाली नदियाँ साथ में लेके आती हैं। दिस इज़ द रीज़न दैट नॉर्दर्न प्लेन आर वेरी फर्टिल। और यही एक कारण है जिसकी वजह से जो उत्तरी मैदान हैं वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हैं। सम रिवर्स फ्रॉम डेक्कन प्लेटो ऑल्सो डू द सेम। और कुछ रिवर्स जो दक्कन के पठार हैं उनमें से जो रिवर्स हैं वो भी सेम यही काम करती हैं, अपने साथ मिट्टी को बहा के लेके आती हैं और अपने बैंक ऑफ रिवर पे छोड़ देती हैं, साइड्स में छोड़ देती है। सम रिवर्स फ्रॉम एल्यूवियल सॉइल इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप। ये जो सॉइल है वो बहुत अधिक लाभदायक है, बेनिफिशियल है किसके लिए, बहुत सारे क्रॉप्स के लिए। बहुत अधिक क्रॉप्स जो हैं इस तरह की मिट्टी पर उगाई जा सकती हैं, जैसे कि वीट, राइस, शुगर कैन, पल्सेस, जूट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। ये सभी जो हैं, गेहूँ, चावल, गन्ना, दालें, जूट, फल और सब्जियाँ, इन पर इस तरह की मिट्टी में बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं, आर द मेन क्रॉप्स दैट ग्रो ईजिली इन एल्यूवियल सॉइल। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। इन सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र एंड सेंट्रल डेक्कन प्लेटो ब्लैक सॉइल इज़ फाउंड। कहाँ कहाँ पर मिलती है ये काली मिट्टी, गुजरात में, महाराष्ट्र में और सेंट्रल ऑफ दक्कन पठार, मतलब कि दक्कन, जो दक्कन के पठार हैं उसके मध्य में जो है ये काली मिट्टी मिलती है। दिस काइंड ऑफ सॉइल इज फॉर्म्ड विद द मेल्टिंग ऑफ रॉक। ये जो मिट्टी है कैसे बनती है, चट्टानों के पिघलने से। जब चट्टाने जो है बहुत अधिक उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो पिघलने लगती हैं, और किसका जो है फॉर्म ले लेती हैं, वो लावा बन जाती हैं, और लावा के जो है ड्राई होने पर ये काली मिट्टी का निर्माण होता है। द ब्लैक सॉइल इज़ गुड इनफ टू ग्रो कॉटन। जो काली मिट्टी है उस पर कॉटन जो है बहुत अच्छे से जो है कॉटन की फसल बहुत अच्छे से होती है। ऑल दो कॉटन इज़ द मेन क्रॉप ऑफ द एरिया, बट वीट, शुगर कैन एंड मिलेट्स
आर ऑल्सो ग्रोन. अब क्या है कि कॉटन तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है, साथ ही साथ इसके अलावा जो है गेहूँ, गन्ने और मिलेट्स होते हैं, बाजरा, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं इस मिट्टी पर. नेक्स्ट है रेड सॉइल, लाल मिट्टी. द रेस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो हैज़ रेड सॉइल. जो ब्लैक सॉइल के और जो है एल्यूवियल सॉइल के अलावा जो एरिया रह जाता है दक्कन के पठारों का, वहाँ पर जो है लाल मिट्टी मिलती है. दिस इज़ हार्ड एंड लेस फर्टिल सॉइल. ये थोड़ी जो है हार्ड होती है, कठोर होती है और कम उपजाऊ होती है. द क्रॉप लाइक ज्वार, बाजरा एंड ग्राउंडनट्स आर ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ सॉइल. कौन कौन से जो है खेती की जाती है इस मिट्टी पर? ज्वार की, बाजरा की और मूंगफली की जो है खेती इस मिट्टी पर की जाती है. आज हम इतना ही पढ़ेंगे. तीन टाइप की मिट्टी हमने पढ़ी, एल्यूवियल, ब्लैक एंड रेड सॉइल. अब नेक्स्ट जो थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल रह गई हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. इसके साथ मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ, उसको आपने नीट एंड क्लीन नोट डाउन करना है और साथ में जो इसके डिफिकल्ट वर्ड्स आपको लगे उनको आपने अंडरलाइन करके नोट डाउन करना है, जिससे कि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ आए. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.